नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोटके टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी लड़की को अपने तरफ वशीकरण करना चाहते हैं, अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या किसी शादीशुदा महिला हो या शादीशुदा औरत हो, जिसको भी आप चाहते हैं, 15 मिनट में जो है आपका रिलेशन फिट हो जाएगा, 15 सेकंड में आपका रिलेशन फिट हो जाएगा, मात्र 15 सेकंड में। बहुत ही भयंकर वशीकरण मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक आप देखें, बिना वीडियो को भगाए हुए आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को आप पटा सके। तो मित्रों, आज के जो मैं टोटका बता रहा हूं, आज के जो मैं इस वशीकरण टोटका बताने जा रहा हूं, यह बहुत ही कारगर और बहुत ही शक्तिशाली, आप किसी भी गर्ल को आप इंप्रेस कर सकते हैं, चाहे किसी भी कॉलेज के लड़की को आप इंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तभी इस प्रयोग को करें, अन्यथा टाइम पास करने के लिए, गलत प्रयोग करने के लिए इस क्रिया को ना करें, नहीं तो इसकी परिणाम भी आपको गलत होगा। आपको सोमवार के दिन में आपके आजू बाजू या आपके घर के कहीं भी दूर में, कहीं भी श्वेत मदार या सफेद मदार का पौधा अगर मिल जाए, चाहे जिसको हम लोग अकवन का भी पौधा बोलते हैं, सफेद अकवन, ये शक्तिशाली प्रयोग सिर्फ सफेद अकवन पर ही होगा। आपको सफेद अकवन या सफेद आग का पौधा जिसको बोलते हैं, जिसका फूल सफेद होता है, सोमवार के दिन में सुबह सुबह आपको इस क्रिया को करना है। लेकिन इसको करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे वीडियो को सर्वप्रथम देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर ऑल कर दे, ताकि आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो सोमवार के दिन में इस क्रिया को करना है, लेकिन उसकी एक दिन पहले यानी रविवार को आपको शाम के समय में एक लोटा जल में थोड़ा सा चावल और एक रुपया का सिक्का डाल करके, नहा धो करके उस पौधे के पास आपको चले जाना है। जाकर के उस पौधे को, आपको जल को डाल करके एक अगरबत्ती जला करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप जो है निमंत्रण देकर के आ जाइएगा। निमंत्रण देकर के आपको आ जाना है। उसके बाद ये रविवार को करना है, सोमवार के दिन में सुबह सुबह नहा धो करके, यानी सूर्य उदय से पहले, सूर्य उगने से पहले आपको उस पौधे के पास जाना है और उस पौधे को एक सांस में आपको कबाड़ करके आपको लेकर के आपको सीधे घर आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसको दिन भर पौधे को वही छोड़ दीजिएगा। रात के समय भी उसी पौधे से एक जड़ लीजिएगा, थोड़ा सा जड़, एक पत्ता और दो फूल आपको लेना है। दो फूल, एक पत्ता और उसकी जड़ थोड़ा सा काट लीजिएगा। रात के समय में आपको अपने पूजा स्थान के पास उसको रखना है, पत्ता को सामने में, धूप दीप अगरबत्ती जरूर जला दीजिएगा।
उसके ऊपर उसकी जड़ को रखना है पत्ता के ऊपर में, और दो फूल उस पर रख देना है, और रख करके इस मंत्र को जाप करना है, ओम काम देवाय सर्वनारी मामवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, ओम काम देवाय सर्वनारी मामवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, ओम काम देवाय सर्वनारी मामवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। सर्वनारी, चाहे वो लड़की हो, स्त्री हो, औरत हो, कोई भी हो, इस मंत्र को बोल करके 108 बार बोलना है, बोल करके उस पत्ते के ऊपर में आपको फूंक मार देना है 7 बार। लेकिन मंत्र को बोलने के बाद 108 बार जब भी बोलिएगा तो अपना नाम लास्ट में जरूर बोलिएगा, ओम काम देवाय सर्वनारी मम वश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, उसके बाद आप अपना नाम बोलिएगा 108 बार। उसके बाद उस पत्ते को में ऊपर में थोड़ा माता रानी का लाल सिंदूर डाल देना है, उस पत्ते को फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद उसमें लाल रंग का रेशम का धागा उसमें लपेट दीजिएगा चारों तरफ, या नहीं तो लाल रंग का धागा का रील ले लीजिएगा, कपड़ा जो सीने वाला रील, उसमें चारों तरफ से लपेट करके आप जेब के ऊपर रख करके किसी भी लड़की का नजदीक में आप चले जाइए, किसी भी औरत का नजदीक में चले जाइए, किसी भी स्त्री के नजदीक में चले जाइए, वो आपके ऊपर इंप्रेस हो जाएगी, आपके ऊपर में पूरी तरह से फिदा हो जाएगी, आपके साथ में रिलेशन बन जाएगी, और आप दोनों में एक रिलेशनशिप में बंध जाएंगे, वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। बहुत ही शक्तिशाली भयंकर वशीकरण टोटका है, इसको आप अवश्य करें। इसी आशा रूपित के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।